सरकार विकास के लाख दावे करे लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं अमरपाटन की मढ़ी ग्राम पंचायत की, जहां शासन प्रशासन ने नदी पर पुल बनाने के लिए पिलर खड़े कर दिए लेकिन अचानक पुल बनाने का काम बंद कर दिया। 10 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है लेकिन किसी को भी पुल को पूरा बनाने का ख्याल नहीं आया। पुल न बनने से ग्रामीण और बच्चे पैदल नदी पार करके जाते हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि वो हर बार पुल बन जाने की आस में मतदान कर जनप्रतिनिधि को चुनते हैं लेकिन चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि इन ग्रामीणों की मांग को भूल जाते हैं और अब ग्रामीणों ने यह तय किया है कि अगर पुल का काम शुरू नहीं होता है तो वो मतदान नहीं करेंगे। स्कूल आप लोग डेली जाते हो? नहीं, जब पानी अधिक हो जाता है, पानी बरसता है तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। बहुत दूरी पड़ता है उस साइड से और पुलिया तो है नहीं यहाँ से, तो बहुत दूरी पड़ता है तो कभी कभी जा पाते हैं उस साइड से घूम के, लक्सर नहीं जा पाते हैं, दो दो हफ्ता कभी कभी गैप हो जाता है। और वही मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारी का बयान चौंका देने वाला है। एसडीएम का कहना है कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उनके क्षेत्र में एक पुल 10 सालों से अधूरा पड़ा है। इसमें ये जानकारी आपके द्वारा ही लगी है कि अमझर मढ़ी और मुकुंदपुर के बीच में जो सड़क निर्माण हो रही थी वो पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है, तो हमारी आज ही आरईएस एसडीओ से चर्चा हुई है तो उनके द्वारा बताया गया कि ये पुराना कार्य है, इसको देख के बताते हैं कि ये पुलिया का निर्माण कार्य क्यों नहीं किया गया है। यदि अगर उनके प्रावधान में होगा तो पुलिया निर्माण होगी, अगर नहीं होगा तब भी हम वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके बताएंगे कि इस सड़क में पुलिया का निर्माण अति आवश्यक है।